हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज किस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं T10 अबू धाबी के तीसरे T10 मैच के बारे में, जो कि 10 ओवर का मैच होगा, आपको पता होगा। एंड दोस्तों जो मैच है फिलहाल मॉरिस विलियर्स सैम पार्मी वर्सेस बांग्ला टाइगर्स के बीच में होगा, यानी कि MSA वर्सेस BT टीम के बीच में होगा। और दोस्तों ये 10 ओवर का मैच होगा, आपको पता होना चाहिए कि इस मैच में आपको प्लेइंग 11 एंड बैटिंग ऑर्डर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेट्स भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बट बैटिंग ऑर्डर यानी कि आपको पता होना चाहिए कि तीसरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर कौन बैटिंग करने वाला है, क्योंकि 10 ओवर का मैच है। डेथ के अगर बैट्समैन रख लेते तो आपकी टीम बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी। बट यहाँ पे इस वीडियोस में आपको स्टेट बताने वाला हूँ, बैटिंग ऑर्डर एंड प्लेइंग 11, ग्रैंड लीग टीम, कैप्टन वाइस कैप्टन, सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये वीडियोस आप लोगों के डिमांड पे हैं, आप लोगों ने कमेंट्स किया है कि भाई आप जो है T10 मैच कवर करिए, और उसको मैंने कवर किया, ठीक है, आप लोगों के लिए। एंड दोस्तों वीडियोस का लाइक हम सिर्फ और सिर्फ रखते हैं 20, वीडियोस को अभी से लाइक कर दें। एंड अगर आप लोग यहाँ पे इस वीडियोस में सपोर्ट बनाते हैं तो मैं और भी T10 मैचेस कवर करूंगा, जो कि आपको एनालिसिस एंड स्टेट्स प्लेस के बताऊंगा एंड कैप्टन वाइस कैप्टन, बाकी आप जो कि यहाँ पे फिलहाल वीडियोस में देखने ही वाले हैं। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये फिलहाल मैच जो है 24 नवंबर 5:30 आज की डेट में स्टार्ट होने वाला है। स्टेडियम की अगर बात करें शेख जायद स्टेडियम में जो मैच खेला जाएगा। एंड पिच रिपोर्ट की दोस्तों बात करते हैं, पिच जो कि पूरी तरीके से बैटिंग पिच होने वाली है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग नंबर स्कोर की बात करते हैं तो यहाँ पे 110, 115, 120 का स्कोर भी जा सकता है। ये प्लस पे डिपेंड भी करेगा, टीम पे भी डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं दोनों टीम के रिसेंट परफॉर्मेंस की, किस प्रकार से ये टीम है, तो दोस्तों इस साल की हम बात करते हैं सीजन की, तो जो कि बांग्ला टाइगर्स ने यानी कि BT टीम ने एक मैच यहाँ पे खेला है, ठीक है, एंड एक विन किया दोस्तों, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मॉरिस विले सैम पार्मी ने एक भी मैच नहीं खेला, ये फर्स्ट मैच होगा दोस्तों, ठीक है, इस टीम का। एंड अगर हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में बांग्ला टाइगर्स यानी कि BT टीम के, तो फिलहाल हजरत जदई जो की हैं और लिविस जो की दोनों ओपन करने वाले हैं एंड प्लेइंग 11 में रहेंगे। और आपने अगर हम बात करें यहाँ पे रिसेंटली इनके परफॉर्मेंस के बारे में, तो जदई ने 10 रन मारे हैं रिसेंटली, लिविस ने काफी अच्छी पारी खेली 58 की, जॉय क्लर जो कि आपको विकेट के पोजीशन से मिलेंगे दोस्तों, वो तीसरे नंबर पर बैटिंग करते नजर आएंगे। कॉलिन मिंद्रो आपको चौथे नंबर पर नजर आएंगे एंड 30 रन इनके रिसेंटली हैं। एंड अगर हम बात करते हैं बेन कटिंग की दोस्तों, तो फिलहाल बेन कटिंग पांचवें नंबर आपको मिलेंगे, ऑलराउंडर सेक्शन से मिलेंगे एंड स्पिल के ओवर इनको नहीं मिलने वाले दोस्तों। बी होवेल की अगर हम बात करें, ये आपको बॉलिंग सेक्शन से मिल जाएंगे। एंड दोस्तों ये प्लेयर जो कि इंपॉर्टेंट भी रह सकते हैं, क्योंकि इनको बैटिंग भी मिल सकती है एंड स्पिल के दो ओवर तो कन्फर्म है इनके, एंड पेस बॉलर्स दोस्तों, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे साकिब अल हसन जो कि ऑलराउंडर सेक्शन से आपको मिलने वाले हैं। एंड अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की रिसेंट, तो दोस्तों इन्होंने जो कि दो ओवर स्पिल के कराए हैं एंड आपको पता है स्पिन बॉलर्स हैं, 14 रन भी बनाए हैं। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे इनको विकेट की हम बात करते हैं, तो दोस्तों एक विकेट भी साकिब अल हसन को मिली हुई, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जो कि जे बॉल है आपको मिलते हैं बॉलिंग सेक्शन से, तो इनको कोई भी विकेट नहीं मिली, दो ओवर ये करा सकते हैं। पत्रियाना सिंपली दो ओवर कराएंगे स्पेल के, बट यहाँ पे कोई भी परफॉर्मेंस इनका आपको देखने को नहीं मिला है। एंड दोस्तों उसके बाद मिलेंगे आपको मुस्तफा जो कि ऑलराउंडर सेक्शन से मिलेंगे एंड बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा इनका डाउन है, बट दोस्तों दो विकेट इनको रिसेंटली मिली है, ठीक है। यूएलई आपको बॉलिंग सेक्शन से मिलेंगे, आप इनके देखेंगे स्पिल को और इनको सिर्फ एक ही मिला था, तो आप इनको टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं और इनको कोई भी विकेट नहीं मिली थी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो कि मॉरिस विलियर्स सैम पार्मी टीम के प्लेइंग 11 एंड बैटिंग ऑर्डर के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल जेसन चार्लिस आपको मिलेंगे जो फिलहाल विकेट कीपर सेक्शन से, और मोइन अली जो कि टीम के कैप्टन ही है, तो फिलहाल यहाँ पे ये अगर इनके परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये दोनों ओपन करने वाले हैं। एंड अगर हम बात करते हैं इनको टीम में रखना है या नहीं रखना है, तो सबसे पहले स्टेट्स जानते हैं। देखिए जेसन चार्लिस 23 मैचेस T10 के खेले हैं और 449 रन बनाए हैं एवरेज 22 का, हाईएस्ट स्कोर जो कि इनका 73 है। मतलब दोस्तों यहाँ पे इनसे ये भी एक्सेप्ट हम कर सकते हैं कि अच्छा स्कोर भी बना सकते हैं और ज़्यादातर ये फ्लॉप भी होते हैं, ठीक है। जॉय क्लर्क आपको विकेट जो सक्सेस मिलेंगे दूसरे टीम से, ठीक है, बांग्ला टाइगर टीम से, और यहाँ पे जो कि मॉरिस विलियर्स सैम पार्मी टीम से जेसन चार्लिस मिलेंगे, तो दोनों में से आप किसी एक को ही पिक करें, ठीक है दोस्तों। चाहे जेसन चार्लिस को रख लें, चाहे जॉय क्लर्क, दोनों ही सेम बैट्समैन है। जॉय क्लर्क जहाँ तक बेटर बैट्समैन रहेंगे विकेट कीपर सेक्शन से, बट ये ओपन करने वाले, ये ध्यान रख लीजिए आप। उनके साथ यहाँ पे मोइन अली ओपन करने वाले हैं। एंड दोस्तों आपने देखा होगा T20 मैचेस में उतना अच्छा परफॉर्मेंस मोइन अली का नहीं रहा है, बट अगर हम बात करते हैं T10 में, तो 16 मैच इन्होंने खेले, 375 रन बनाए हैं दोस्तों, और उसके साथ एवरेज जो 25 का रहता है इनका, एंड 77 का फिलहाल इनका हाईएस्ट स्कोर है, मतलब 77 रन सबसे ज्यादा इन्होंने मारे हैं T10 मैचेस में, और स्ट्राइक रेट काफी बढ़िया 188 का स्ट्राइक रेट, मतलब एवरेज जिस हिसाब से देख रहे हैं 25 का एवरेज है दोस्तों, तो आप अपनी टीम में इनको रख भी सकते हैं और काफी अच्छी पारी भी खेल सकते हैं मोइन अली। और सबसे अगर हम बात करें ट्रम्प कार्ड प्लेयर बेस्ट लीज जो कि आपको मिलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन से दोस्तों, स्पेल के और इनको मतलब मिल नहीं सकते, जहां तक एक मिलेगा बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि 10 ओवर का मैच है और देखेंगे। पहले तो मुझे नहीं लग रहा है कि स्पेल के और नहीं मिलेगा, बैटिंग पे पूरे तरीके से डिपेंड रहेंगे, बट T10 मैचेस में इनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहता है, और T20 मैचेस में आपने देखा चाहे वो वर्ल्ड कप रहा हो,
तो उसमें स्पेल कवर भी कराते थे एंड बैटिंग भी करते थे, बट यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं पर दोस्तों इनके परफॉर्मेंस की, तो 6 मैच इन्होंने टी10 मैचेस खेले, 204 रन बनाए हैं, एवरेज 102 का है, हाइस स्कोर इनका 75 का है दोस्तों। स्ट्राइक रेट देख सकते हैं 300 का है, सबसे हाइस स्कोर इनका 300 का है, मतलब आप समझ सकते हैं किस प्रकार से बैटिंग कर सकते हैं। 6 मैच में 204 रन अंदाजा आप लगा सकते हैं। इनको कुछ ही टीम जो कि कुछ ही मैचेस में बैटिंग भी मिली थी, बट अभी आप तीसरे नंबर पे आपको बैटिंग करते नजर आएंगे इस मैच में। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं बासिल हमीद की दोस्तों, तो इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला है टीटन का। एंड उसके बाद डेविड मिलर की हम बात करते हैं, 4 मैच इन्होंने खेले हैं, 2017 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 125 रन बनाए हैं टी10 मैचेस में, एवरेज 31 का है, हाई स्कोर इनका 68 का है। एंड दोस्तों यहाँ पे इनको भी बैटिंग मिल जाएगी। सिमरन एडमेट 3 मैचेस टी10 के खेले हैं जिसमें 47 रन बनाए हैं दोस्तों, हाई स्कोर 32 का है, एवरेज जो कि 15.66 का, मतलब बैटिंग ऑर्डर भी डाउन है, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। स्ट्राइक रेट 120 का है, तो मतलब कि देखना कि सिमरन हेटरमैन को टीम में रखने का कोई महत्व तो नहीं रहेगा, ज्यादा टीम के साथ जाते तभी आप ट्राई कर लीजिएगा, बाकी बैटिंग ऑर्डर भी बहुत डाउन है। एंड आपको पता होगा दोस्तों कि 10 ओवर का मैच है, तो फिलहाल आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको किस प्लेयर को रखना है। ओवर भी कम है तो आप टॉप ऑर्डर रखें, बहुत ही बढ़िया, यानी कि 3 से 4 नंबर तक के बैट्समैन काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट, ज़्यादा यहाँ पे 5 नंबर आप कर सकते हैं, यहाँ तक के बैट्समैन आपको पिक करने हैं। बाकी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल अगर किसी टीम के बैटिंग टॉप के बैटिंग ऑर्डर जो कि फ्लॉप है, लाइनअप कमजोर है, तो उस हिसाब से आप डेथ के बैट्समैन रख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे मोइन अली भी बढ़िया खेल सकते हैं, बेस्ट रिलीज का परफॉर्मेंस बढ़िया है, जेसन चार्लिस भी यहाँ पे 22 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद 5 नंबर डेविड मिलर और बासिल अहमद भी ठीक ठाक बैट्समैन है दोस्तों, ठीक है। कई सारे मैचेस उन्होंने टी10 के खेले, बट जो अभी ढाबी वाला टी10 है वो मैचेस इन्होंने नहीं खेले, ठीक है दोस्तों, बट बाकी बैट्समैन बढ़िया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मतलब इतने नीचे आप समझ सकते हैं, ये प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि फिलहाल नीचे का बैट्समैन आपको बहुत दिक्कत दे सकता है और टीम फ्लॉप भी हो सकती है उस हिसाब से। अब बात करते हैं डेविन प्रोटियस का, तो ये पहला अबू धाबी टी10 मैच रहेगा, अहमद रसा का भी, नौजे का भी, कोटरेल ने यहाँ पे 19 मैचेस खेले हैं, 14 विकेट है टी10 में अबू धाबी में दोस्तों। गैटन का भी पहला मैच यहाँ पे होगा, बहुत सारे मैच इन्होंने खेले हैं लोकल जो कि टी20, बट उस हिसाब से अबू धाबी का पहला मैच होगा। एंड अगर टीम की बात करें, देखिए नौजे का परफॉर्मेंस आपको पता ही है यार, बैटिंग पिच है बट सपोर्टेड थोड़ा बहुत बॉलर्स को होगी क्योंकि सारे बॉलर्स बैट्समैन रिस्क लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे देखेंगे उस टीम में जो है कुछ खास बैट्समैन आपको नजर नहीं आएंगे, बैटिंग लाइनअप कुछ कमजोर है, देखिए यहाँ पे जैसे कि लिविस भी हिट करते हैं, उसके बाद क्वेलिन में जो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, बाकी आप समझ ही सकते हैं यहाँ पे रख ही सकते हैं, ठीक है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो। तो नोजे भाई बढ़िया परफॉर्मेंस भी टी20 में करके आ रहे हैं। एंड उसके बाद क्वाट्रेल की अगर हम बात करते हैं तो ये बैटिंग भी कर लेते हैं अच्छी तरीके से, गैटन भी बैटिंग कर लेते हैं, ठीक है, पेटेरियस भी बैटिंग कर लेते हैं, अच्छे खासे बॉलर्स भी हैं, तो मतलब इनमें सिलेक्शन अच्छा है, पेटेरियस को रख लीजिए, नोजे को भी रख सकते हैं, गैटन और क्वाट्रेल को दूसरे टीम में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस क्वाट्रेल का नहीं है, 19 में 14 विकेट है, तो बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दोस्तों, ठीक है। ये जो कि परफॉर्मेंस एंड स्टेट्स, आप टीम अगर हम बात करें जो सेफ टीम रहेगी वो क्या रहेगी मैं आपको शो कराता हूँ दोस्तों। फिलहाल ये पहली टीम रहेगी, ठीक है, आप देख सकते हैं बेस्ट लीज जो कि हमने कैप्टन कर लिया है, तीसरे नंबर पर बैटिंग करेंगे, साकिब अल हसन स्पेल के 2 ओवर कराएंगे, चाहे आप इनको कैप्टन भी कर सकते हैं, ठीक है, बैटिंग भी मिल जाती है। एंड मुस्तफ़ा को रख लीजिए क्योंकि बॉलिंग बढ़िया कराते हैं। एंड क्वाट्रेल, नौजे, पथिराना को हमने रखा है, बट यहाँ पे पथिराना को आप ड्रॉप करके दोस्तों क्या करना है आपको, प्रोटोरियस को हमने नहीं रखा, प्रोटोरियस को आप चाहे मुस्तफ़ा की जगह पर ट्राई कर लीजिए, रखना है आपको, या तो फिर किसी बैट्समैन को ड्रॉप करना पड़ेगा, किसको ड्रॉप करना है वो मैं आपको बताऊंगा जो कि टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कैसे करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे बैटिंग पे डिपेंड होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट इनिंग में आपको बता दो बीटी बैटिंग कर रहे हो तो किस हिसाब से मैं बैट्समैन के साथ जाना है, एमएसए बैटिंग कर रहे हो तो किस हिसाब से जाना है, तो सारा कुछ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर क्लियर करता हूँ, क्योंकि अभी बैटिंग लाइनअप जो कि बता दो कि लाइनअप अभी आया नहीं, तो उस हिसाब से किस प्रकार से कैसे, बाकी सेफ टीम यही रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अपडेट सारे के सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। होप गाइस वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। स्टेट्स मैंने बता दी है, दूसरी टीम में आप कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पे क्वालिन मिनरो लिविस को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, डेविड मिलर को भी ट्राई कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे क्लार्क हो गए, ठीक है, जजई भी काफ़ी हिट करते हैं, उनको भी हम टीम में रख सकते हैं। 2 से 3 टीम मैं आपको ग्रांड लीग की प्रोवाइड करूंगा, वो भी टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। एंड और भी जो भी वीडियोस आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट्स करके बता दिया करें, 24 आवर्स के पहले मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड जरूर करूंगा स्टेट्स एनालिसिस वाली। एंड जो बड़े मैचेस होंगे टी20 के दोस्तों, वहाँ पे वेरी रिकॉर्ड्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी टी10 मैचेस में बता दूं कि हेड टू रिकॉर्ड उतना मैटर नहीं करता है, प्लेइंग इलेवन एंड बैटिंग ऑर्डर मैटर करता है दोस्तों, ठीक है, ये प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी चलिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।